हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो पेपर है संस्कृत का, उसके बारे में, जो आपका समय रहने वाला है 3 घंटा और आपके मार्क्स रहने वाले हैं 80 नंबर। तो जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। सारे क्वेश्चनों को ढंग से देखें, याद कर लें और रट लें, और सारे क्वेश्चनों के आंसर हम लगभग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेंशन ना लें। और जो आज का पेपर है वो स्टार्ट करते हैं हम नीचे से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपके एक बार में ही आपको काफ़ी सारे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसमें आपको एक निबंध लिखना है। आपको चार टॉपिक देख रखे हैं। पहला है छात्र जीवनम, छात्र का जीवन। दूसरा दे रखा है महाकवि कालिदास। इसके अलावा आपसे कोई भी और कभी भी पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप ध्यान रखें। तीसरा है उत्सव, इसमें दिवाली लिख रहा है, तो नज़दीक आपके दीपावली है, उस हिसाब से दीपावली इंक्लूड किया है। इसके अलावा आप एक दो त्यौहार और याद कर सकते हैं। और लास्ट है सदाचार। तो ये चार टॉपिक हैं, इन पर निबंध जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है, लेकिन यहाँ पर गद्यांश मिस हो चुका है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको स्वमित्राय अध्ययन विषय एक पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो आपको अपने मित्र को अध्ययन के विषय में एक पत्र लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वय पाठ्य पुस्तक से सुभाषित व्यायाम लिखत। तो आपको अपनी जो पुस्तक दे ये पेपर दे रखा है, इसके अंदर जितने भी श्लोक आए, इसके अलावा आपको एक दो श्लोक याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है श्लोकों के बारे में, तो इसलिए ज़रूर याद करें उन्हें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है अधोलिखित गद्दा सु डांस दृश्य प्रश्न का उत्तर आणी संस्कृत भाषा या लिखत। प्रश्न संख्या 11 है श्री हर्ष कवे संक्षिप्त परिचय लिखित। हर्ष जो कवि हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायाणाम पूर्ण रूपेण लिखत। एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। आपका प्रश्न है महाभारतस्य रचनाकार कै दूसरा अस्मिन काव्ये कति पर्वा सन्ति। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन सेम क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वह दे रखा है आदि कवि का तेन कश्य ग्रंथस्य रचना हम करोत। प्रश्न के 8 है अधोलिखितयो प्रश्नयो एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्येन लिखत। तो आपका जो प्रश्न है वह है बुद्ध चरितम कश्य रचना अस्ति अस्मिन महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति। तो दोस्तों, आज का सेशन हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा कुछ कारणों की वजह से। तो आप सारे क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।